अब श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, शव काटने के लिए एक से ज्यादा हथियार का इस्तेमाल किया गया था और आरी के अलावा बड़े चाकू का भी इस्तेमाल किया गया है शव को काटने के लिए। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आरी का इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि उसके साथ चाकू का इस्तेमाल किया गया, यानी कि एक से ज्यादा हथियार का इस्तेमाल हुआ है श्रद्धा के बॉडी को पीस करने के लिए। और आपको बता दें, ये जो एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, यही इसी केस में आगे बतौर सबूत और इकट्ठा जो होंगे उसको और ज्यादा मजबूत करेगा, जिससे कि श्रद्धा को इंसाफ मिल सके। और जो पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, इसमें ऐसे बहुत सारे सवाल किए जाएंगे जिसका जवाब अब तक नहीं दे रहा था आफ्ताब। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अभय पराशर, साथी कुमार सोनू। सबसे पहले अभय पराशर का रुख कर लेती हूं, उनके साथ अतुल भाटिया भी मौजूद हैं। अभय, अभी हमने अतुल की एक रिपोर्ट देखी जिसमें उन्होंने उस साइंटिस्ट से भी बात किया था जो इस पैनल के सदस्य हैं। अब चूंकि पॉलीग्राफी टेस्ट इस वक्त कंडक्ट हो रहा है, आज कितने सवाल पूछे जाएंगे और क्या पूरी प्रोसेस होगी? देखिए, ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल, आज पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो हो रहा है आफ्ताब का। अतुल से सीधा बात करेंगे। अतुल, आपने साइंटिस्ट से बात की जो अभी अभी दर्शकों को दिखाई गई, 5 पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है आफ्ताब का, कितने सवालों की फहरिस्त होगी जो कि तैयार होगी? क्योंकि ना केवल क्वेश्चनार तैयार किया जाएगा बल्कि बाकायदा वहां पर एक साइकोलॉजी डॉक्टर जो है वो भी बैठेगा जो आफ्ताब से सीधा सवाल करेगा, क्या क्या प्रोसेस होगा? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो आज गुरुवार को किया जा रहा है, बुधवार को पुलिस टीम जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करा सकी थी क्योंकि आफ्ताब को फीवर था। लेकिन इस दौरान दिल्ली पुलिस की एक टीम FSL रोहिणी के संपर्क में थी, उनके साथ बैठी थी, बाकायदा क्वेश्चनार तैयार किया गया, क्या क्या सवाल जवाब जो है वो आफ्ताब से पूछने हैं। तो उस दिन को, जो बुधवार का दिन जिस दिन आफ्ताब को नहीं ले जाया जा सका, FSL रोहिणी जब भी टीम जो है वो लगातार काम कर रही थी और सवाल जवाब इकट्ठे किए जा रहे थे कि आफ्ताब से किस तरीके के सवाल पूछे जाने हैं। दूसरी बात ये, जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज हमें बता रहे हैं, उन्होंने आधिकारिक रूप से इस बात को बताया है कि अगर शनिवार को आफ्ताब जेल चला भी जाता है, जो उसका क्योंकि 14 दिन के बाद रिमांड नहीं मिल पाएगा, तब भी उसे जेल से ले जाकर उसको FSL रोहिणी लेकर जाया जाएगा और उसके बाद भी उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जा सकता है, क्योंकि पॉलीग्राफिक टेस्ट ये माना जा रहा है कि कल तक जो है, आज या कल तक वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो पूरे जो FSL की टीम होगी वो पुलिस टीम के साथ बैठकर उसका पूरा एनालिसिस करेगी, क्या सवाल जवाब आगे नार्को एनालिसिस टेस्ट में पूछे जाने हैं, उसके लिए पूरी एक रूपरेखा तैयार होगी। और क्योंकि अंबेडकर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर नार्को एनालिसिस टेस्ट होना है, इसलिए इसमें अभी समय लग सकता है। तो इसीलिए जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस, इनका यह कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि इन्हीं 14 दिन के अंदर ये सारे टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाए, जेल से ले जाकर भी जो आफ्ताब है उसका जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है वो किया जा सकता है। रिमांड कॉपी में भी ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है कि आपको इन्हीं 4 दिन के अंदर टेस्ट कराने हैं, यानी कि कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आपको नार्को टेस्ट कराना है उससे पहले, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट है वो भी कराना है। लेकिन मेडिकल टर्म्स में साइंटिस्ट FSL के जो लोग हैं, जितना भी इसके अंदर समय लगे, कोई टाइम ड्यूरेशन इसमें नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने नार्को एनालिसिस टेस्ट की परमिशन साकेत कोर्ट से ली थी, लेकिन जब FSL रोहिणी पुलिस टीम पहुंचती है तब एक उनका जो पूरा एक सीक्वेंस है कि क्या क्या टेस्ट होने जरूरी है नार्को से पहले, उसमें ये चीज मेंशन है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट से पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट होना मस्ट है, उसमें एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, लगातार सवाल जवाब किए जाते हैं। जिन सवाल जवाब पे जो टीम होती है, जो FSL की टीम होती है, पुलिस की टीम होती है, उनको डाउट होता है, उन सभी सवाल जवाब को नार्को एनालिसिस टेस्ट में लिया जाता है। सवालों की फहरिस्त लंबी होगी, करीब 100 के तकरीबन पॉलीग्राफी में जो सवाल पूछे हैं वो पूछे जाएंगे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आज ही ये कंप्लीट हो जाए। इसमें अगर इन्हें लगेगा कि ये सवाल के जवाब गलत दे रहा है या रिपीटेशन करने हैं, या जो वो जवाब दे रहा है उसमें से ही कोई और सवाल निकल जाते हैं, तो हो सकता है इसका प्रोसेस लंबा भी हो जाए, और प्रोसेस लंबा होने की वजह से नार्को अगर चाहे तो आगे भी करा सकते हैं। बिल्कुल, प्रोसेस लंबा होगा और आगे नार्को को कितना वक्त लगेगा, इस पर अभय और अतुल हम आपसे जवाब लेंगे। कुमार सोनू भी हमारे साथ FSL दफ्तर के बाहर से मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू, अंदर से क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि टेस्ट जारी है? ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, नार्को टेस्ट अभी होना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो पॉलीग्राफ टेस्ट का फाइनल राउंड चल रहा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सवालों की बौछार इस वक्त जो आफ्ताब है उसके सामने हो रही है और उनका वो जवाब दे रहा है। फिलहाल
जो एक्सपर्ट्स हैं, खासतौर पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक और एक्सपर्ट को गुजरात से बुलाया गया है। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही जगह जो है पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट होते हैं, इस तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, एक अहमदाबाद और एक दिल्ली। तो अहमदाबाद से दिल्ली जो है एक लेडी एक्सपर्ट को बुलाया गया है जो इस पूरे पॉलीग्राफ टेस्ट में जो है लीड पर है, साथ में है, उस टीम की एक अहम हिस्सा है। और इस वक्त बंद कमरे में पूरा पॉलीग्राफ टेस्ट आफ्ताब का कंडक्ट किया जा रहा है। ये फाइनल राउंड है जिसमें जो सवालों की फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, क्योंकि पहले राउंड में जब परसों सवाल पूछे गए थे तो सिर्फ 18 सवाल पूछे गए थे, जिनका जो है बताया जा रहा कि आफ्ताब गोलमोल जवाब दे रहा था, जिसमें एफएसएल के एक्सपर्ट संतुष्ट नहीं थे। और अब एक नई लिस्ट जो है वो एफएसएल के एक्सपर्ट्स ने बनाई है। इसके बाद अगर आज जो है जिस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि सुबह सुबह तकरीबन 12 बजे के आसपास जो है दिल्ली पुलिस यहां पर लेके पहुंची, तो ऐसे में सवालों की लंबी फहरिस्त है, उसके जवाब तलाशे जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।